हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने घर को और किचन को तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रखते हैं और टाइम टू टाइम उसे डीप क्लीन भी या तो डीक्लटर करते रहते हैं, बट इसमें ना बाथरूम की स्पेस ऐसे है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं या तो बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है ना कि यहाँ पर देखिए कुछ कुछ ऐसी स्पेस है जहाँ पर गंदगी जमा हो जाती है, इसकी वजह से बाथरूम में से डी स्मेल भी आती है और पूरी तरीके से बाथरूम का हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत आसानी से और घर पर ही बने हुए क्लींजर से एक बाथरूम को डीप क्लीन कर सकते हो। साथ ही साथ एक बहुत ही आसान उपाय बताऊंगी फ्रेशनर्स के लिए, बाहर से कोई भी महंगे फ्रेशनर्स आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाथरूम की सफाई स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो भी सारा सामान रहता है ना उसे हम बाहर एक साइड रख देंगे। इस तरीके से डीक्लटरिंग भी हो जाएगा, साथ ही साथ ना सारा सामान बाहर रहने की वजह से सारी सरफेस को अच्छे से हम साफ कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी सारा सामान था मैंने एक साइड रख दिया था, उसके बाद ही बाथरूम की डीप क्लीन स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है रेड हर्पिक। जी हाँ, जब हम डीप क्लीन करते हैं ना बाथरूम तो इसका यूज़ मैं ज़रूर करती हूँ। तो पहले मैंने टॉयलेट के अंदर लगा दिया था, उसके बाद जो जगह मुझे लगी ना कि जहाँ पर स्टेन बहुत टाइम से और आसानी से नहीं जाने वाले, वहाँ पर भी मैंने स्प्रेड कर लिया था। जैसे कि यहाँ पर पानी ड्रेन होता है वहाँ पर, और ये जगह है ना जो यहाँ पर भी बहुत ही गंदगी जमा हो गई थी, तो यहाँ पर लगा दिया था। उसके बाद करीबन 15 मिनट तक इसे ऐसे ही रखने दिया था, उसके बाद सफाई स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिशवॉशर लिक्विड लिया हुआ है। जी हाँ, उसको एक स्प्रे बोतल में ले लिया था मैंने, थोड़ा सा डाइल्यूट करके पानी के साथ। फिर एक पुराना टूथब्रश लिया हुआ है और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्रॉच ब्राइट जो वायर वाला आता है ना, उसी से मैं हमेशा डीप क्लीन करती हूँ अपने बाथरूम को। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नींबू का छिलका लिया हुआ है जिसमें रस बिल्कुल भी नहीं है, या तो कोई ख़राब हुआ नींबू भी आप ले सकते हो, तो ये बहुत यूज़फुल है, आगे आपको वीडियो में ज़रूर पता चलेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ों से ना मैं अपने बाथरूम को डीप क्लीन करने वाली हूँ, आप देख सकते हो। तो चलिए सफाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए जो स्टैंड है ना, जो स्टील की जो भी आइटम्स हैं, नल है, सारी चीज़ों को साफ़ करेंगे। यहाँ पर मैंने स्प्रेड कर दिया था डिशवॉशर लिक्विड और इसी स्क्रबर जो मैंने लिया था उसी की मदद से यहाँ पर अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि डिशवॉशर लिक्विड से ना जैसे बर्तन बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं ना, तो स्टील के जो भी चीज़ है ऐसे स्टैंड है, नल है, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ कर पाते हैं। तो मैं हमेशा इसी का यूज़ करती हूँ, कोई भी अदर लिक्विड लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बेसिन में मैंने देखिए लगा दिया था, नल को अच्छे से साफ़ कर लिया था इसी स्क्रॉच ब्राइट की मदद से। बेसिन की बाहर की सरफेस को भी अच्छे से साफ़ किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर नल के पास जो स्पेस रहता है ना ये वाला, वहाँ पर हाथ नहीं पहुँचने की वजह से गंदगी ऐसे ही रह जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर टूथब्रश का इस्तेमाल करती हूँ कि जहाँ पर भी ना ऐसी छोटी स्पेस होती है, हम हाथ से अच्छे से सफाई नहीं कर पाते ना, वहाँ इस टूथब्रश की मदद से हम अच्छे से साफ़ कर पाते हैं। क्योंकि ऐसी जगह को जब हम साफ़ नहीं करते ना, तो ओवर द पीरियड वहाँ भी चिपचिपापन जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, आप लोग ने भी देखा होगा। तो इसी मदद से मैं देखिए यहाँ पर भी जो बेसिन में स्पेस रहता है ना, वहाँ पर भी आप देखिएगा कि ओवर द पीरियड ना पीलापन लग जाता है, गंदगी जमा हो जाती है। तो इसकी टूथब्रश की मदद से ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, सफाई हो जाती है। रिजल्ट आप देखिएगा बाद में कि कितने अच्छे से क्लीन हो जाता है। सेम इसी तरीके से जो भी नल है स्टील के, वहाँ पर भी डिशवॉशर लिक्विड को स्प्रेड कर दिया था और स्क्रॉच ब्राइट की मदद से अच्छे से सरफेस को इस तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पर टूथब्रश लिया हुआ है और जो स्पेस रहती है ना जहाँ पर जॉइंट रहता है, वहाँ पर गंदगी रह जाती है। क्योंकि बाथरूम एक ऐसी स्पेस है ना जहाँ पर साबुन और पानी की वजह से ना चिपचिपापन जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से 15 दिन में एक बार मैं ज़रूर डीप क्लीन करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से सारे नल और उसको स्टील की जो चीज़ें थी उसको साफ़ कर लिया था। फिर पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, आप खुद ही देखिएगा कितने अच्छे से चमक जाता है। ये देखिए बेसिन कितना क्लीन लग रहा है, बहुत ही कम मेहनत में और सिर्फ डिशवॉशर लिक्विड की मदद से हमने ये साफ़ किया हुआ है।
तो देखिए सारे जो नल थे उसको अच्छे से पानी से हमें साफ कर लेना है। पानी से अच्छे से साफ करने के बाद ना थोड़े स्टेन तो रह ही जाते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो नींबू या तो नींबू का छिलका आप कोई भी यूज़ कर सकते हो वो लेना है और सारी सरफेस पर इस तरीके से अच्छे से रब कर लेना है। अच्छे से सारी सरफेस पर रब करने के बाद एक साफ कपड़ा लेना है और उससे अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर लेना है। गीला कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से बस एक कॉटन का साफ कपड़ा चाहिए और सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप देखिएगा कि कितना अच्छे से नल बिल्कुल नया लगेगा, बिल्कुल कोई भी स्टेन नहीं रहेगा। तो यही तरीके से मैं अपने बाथरूम के सारे नल को, बेसिन के नल को भी क्लीन करती हूँ, कोई भी स्टेन नहीं रहता है और बहुत आसान तरीका लगता है ये मुझे। तो देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से सारे सरफेस पर नींबू के छिलके की मदद से हम क्लीन कर लेंगे, ताकि जो हमने पानी से वॉश किया था ना उसका स्टेन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये जो स्टील का स्टेन था उसको भी अच्छे कपड़े से एक बार साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब ये सूख जाता है ना तो इसमें स्टेन लग जाता है, तो जब पानी तुरंत ही पानी के बाद आपको कपड़े से साफ़ कर लेना है। नेक्स्ट जो ये वाली सरफेस है ना, वहाँ पर देखिए पाइप में कितनी गंदगी जमी है, तो यहाँ पर भी ये स्प्रे कर देंगे हम डिशवॉशर लिक्विड और ये टूथब्रश की मदद से इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। हम बाथरूम तो हर बार क्लीन करते हैं, पर इस तरीके की जो स्पेस होती है ना वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, बट ओवर द पीरियड ना ये गंदगी बहुत ज़्यादा होने लगती है और बाथरूम का लुक भी ख़राब हो जाता है और ओवर द पीरियड जो एक्सेसरीज होती है और ये चीज़ें सारी ख़राब होने लगती है। तो यहाँ पर भी देखिए टूथब्रश की मदद से मैं ये एरिया साफ़ कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जहाँ वाटर ड्रेनेज होता है ना, यहाँ पर भी स्क्रब से आप कितना भी कर लोगे, साफ़ कर लोगे, इतना अच्छा नहीं होगा। टूथब्रश है ना बिल्कुल भी, जो इसमें स्पेस में थोड़े से जगह रह जाती है ना वहाँ पर भी क्लीन हो जाएगा। तो देखिए रेड हर्पिक हमने यूज़ किया था तो कितने आसानी से यहाँ पर से सारे स्टेन निकल गए है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर ये वाइट सीमेंट से ज्वाइन किया जाता है ना, तो ये स्पेस इतनी स्मूथ नहीं रहती है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से गंदगी जमा हो जाती है। तो टूथब्रश की मदद से ना इस तरीके से मैं हमेशा 15 दिन में एक बार तो सफाई ज़रूर करती हूँ। उसके बाद आसपास की जो सारी दीवार है सरफेस है वहाँ पर भी स्प्रेड कर लिया था, लगा दिया था डिशवॉशर लिक्विड और स्क्रबर की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ना ओवर द पीरियड वहाँ पर भी साबुन या तो पानी के स्टेन लग ही जाते हैं और सरफेस ख़राब हो जाती है। फिर नीचे की सरफेस को भी अच्छे से स्क्रबर की मदद से क्लीन कर, देखिए सारी जो सरफेस है, नीचे की टाइल्स है, आसपास जो भी टाइल्स लगी है ना दीवार पर, उसको भी अच्छे से एक बार रब कर लिया था। उसके बाद वाटर स्प्रे की मदद से उसे साफ कर रही थी। तो देखिए अभी से आपको क्लीन लग रहा होगा, बहुत ही अच्छे से एकदम से चेंजेस आपको लग रहा होगा। तो इस तरीके से आसपास की सारी सरफेस पर जहाँ पर भी हमने क्लींजर से साफ़ किया था ना, वहाँ पानी से अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने सारा पानी अच्छे से निकाल दिया था। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपका बाथरूम ना हमेशा ड्राई रहना चाहिए, क्योंकि जितना ये वेट रहेगा ना सरफेस पर गंदगी लगने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो देखिए एंड में बहुत ही अच्छे से वाइपर से यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ, बिल्कुल ही ड्राई कर रही हूँ। लास्ट में यहाँ पर सारी जो सरफेस है ना उसको एक बार अच्छे कपड़े से साफ़ कर लेना, ताकि वाटर स्टेन ना रहे। ड्राई रहना बहुत ज़रूरी है आपका बाथरूम। तो लास्ट में मैं इस तरीके से ज़रूर साफ़ करती हूँ, और एंड में जो बाथरूम का दरवाज़ा होता है ना उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी ना ओवर द पीरियड धूल और साबुन पानी की वजह से स्टेन लग ही जाते हैं। तो इस तरीके से लास्ट में मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। तो देखिए बाथरूम कितने अच्छे से चमक गए, आप खुद ही देख सकते हो, डिफरेंस आपको खुद को पता चलेगा। तो इस तरीके से बाथरूम साफ़ करेंगे ना तो आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और कोई भी बाहर से क्लींजर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए वॉश बेसिन भी कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है, ये वाली यहाँ पर भी स्पेस देखिए आप पहले देखा होगा, अब कितना क्लीन लग रहा है, क्योंकि यही हिडन स्पेस होती है ना जो हम कभी इग्नोर हो जाता है हमसे, या तो हम इतना क्लीन नहीं कर पाते हैं। देखिए कितने अच्छे से चमक रहे स्टील के नल।
यहाँ पर देखिए कितने स्ट्रेन थे, तो कितने आसानी से और बहुत ही कम मेहनत में पूरा यहाँ पर एरिया क्लीन हो गया है। और ये सारी हिडन स्पेस को, बाथरूम की स्पेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बाथरूम का हाइजीन मेंटेन करने के लिए। देखिए बाथरूम कितना अच्छा क्लीन लग रहा है। लास्ट में यहाँ पर मैं क्या करूँगी, वॉश बेसिन में मैं ये नेफ्थल बोल रख देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छी स्मेल भी रहती है और गंदगी वहीं नहीं जमा होती है। और एक यहाँ पर वाटर ड्रेनेज के पास भी रख देती हूँ। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो एक ऑर्गेनाइज़र में सारा क्लीनिंग का सामान मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर जो स्टैंड है वहाँ पर एक्स्ट्रा सोप्स है, माउथ वॉश है, साथ ही साथ फेस वॉश है और कोकोनट ऑयल रखा है। नीचे यहाँ पर साबुन रख दिया है स्टैंड में, और यहाँ पर टूथब्रश और टूथपेस्ट रख दिया है। तो जितनी चीज़ें चाहिए वही यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, ज़्यादा क्लटरिंग नहीं करती। और एक छोटा सा प्लांट रख दिया है, यहाँ पर भी एक छोटा सा प्लांट मैंने रखा है। आगे हम बात करते हैं कि बाथरूम को ओल्ड टाइम फ्रेश कैसे रखना है विदाउट परचेसिंग एनी कॉस्टली फ्रेशनर्स। तो उसके लिए आपको देखने में यहाँ पर मास्क लिया हुआ है, ऊपर से कट कर लिया है, इस तरीके से पॉकेट जैसा बन जाएगा। अब घर में कपूर तो मिल ही जाता है, कैम्फर जिसे बोलते हैं वो लेना है, यहाँ पर इस तरीके से अंदर रख देना है। और जो स्ट्रिंग ऊपर का हमने कट किया था ना, वही रीयूज़ करेंगे और यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए तैयार हो गया आपका फ्रेशनर्स, इसका यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा स्मेल रहेगा और हेल्दी भी है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और बाजार से कोई भी महंगा फ्रेशनर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में जो भी बाल्टी बकेट स्टूल आप यूज़ करते हैं उसे भी अच्छे से क्लीन करके ही रखिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं ना अपने बाथरूम को डीप क्लीन करती हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आया है, कोई भी टिप्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।